मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने सीएमए का फाउंडेशन, जो आपका सीएमए का फर्स्ट स्टेज है, आपने उसको क्लियर किया एंड नाउ यू आर स्टूडेंट ऑफ सीएमए इंटरमीडिएट। सीएमए इंटरमीडिएट की ये जो आपकी यात्रा है, ये दो ग्रुप में बटी हुई है, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में भी चार सब्जेक्ट है और सेकंड ग्रुप में भी हमारे पास चार सब्जेक्ट है। फर्स्ट ग्रुप का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट जिसके बारे में आज हम बात करना स्टार्ट करने वाले हैं, और वो सब्जेक्ट है कॉस्टिंग, जिसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग भी कहते हैं। ये हमारे फर्स्ट ग्रुप का सबसे लास्ट पेपर है और सीएमए के लिए, पूरी सीएमए के लिए सबसे खास पेपर है। क्यों खास है? क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूट बेसिकली इसी सब्जेक्ट के लिए बनी हुई है, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये सब्जेक्ट सीएमए स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ, चाहे मैं इनकम टैक्स के बारे में बात करूँ, चाहे मैं आपको लॉ के बारे में बात करूँ, चाहे मैं आपके लिए फाइनेंस के बारे में बात करूँ, चाहे मैं आपके अकाउंटिंग की बात करूँ, इन सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारे लिए सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब कॉस्टिंग। तो ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट भी है, हमारे प्रोफेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है, और सबसे अच्छी बात है ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। तो हमें इस सब्जेक्ट को हमारे प्रोफेशन के लिए भी पढ़ना है, तैयार करना है, और हमें इसको एग्ज़ाम के हिसाब से भी अच्छी तरीके से तैयार करना है। तो आज हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली सब्जेक्ट है क्या, इस सब्जेक्ट में हमें दे क्या रखा है, हम इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्या ये थियोरिटिकल सब्जेक्ट है, और अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो ये किस टाइप का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में कि हमें कौन कौन से चैप्टर दे रखे हैं, कितने चैप्टर्स दे रखे हैं, और हम इस पूरे कोर्स को ऑलमोस्ट कितने घंटे में कंप्लीट करने वाले, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में, कॉस्ट। ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है, कॉस्टिंग का जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बेसिकली हमें दे क्या रखा है, इस सब्जेक्ट में हमें क्या दे रखा है, इस सब्जेक्ट में हमें क्या कैलकुलेशन करनी है, सबसे पहले तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक जो कंपनी होती है, जिसमें मैं बात करूँ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है वो रॉ मेटल को परचेज करते हैं, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद उस फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर देते हैं, राइट। ये जो बड़ा बिजनेस होता है, छोटे बिजनेस की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बड़े बिजनेस की, ये जो बड़ा बिजनेस होता है उसमें क्या किया जाता है, हर एक काम करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया जाता है, हर एक काम करने का एक सेपरेट डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, मतलब इसका काम केवल और केवल प्रोडक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, प्रोडक्शन का काम करना है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, इसके अलावा इसका कोई काम और नहीं होता। जैसे मान लो एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम है परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या है, परचेज डिपार्टमेंट का काम है रॉ मटेरियल को परचेज करना। एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, इसका काम है सारी अकाउंटिंग का काम करना। एक डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है सारे फाइनेंस का ध्यान रखना, पैसा कहाँ से लाना है, कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज करना है, इस सब के बारे में फाइनेंस डिपार्टमेंट ध्यान रखता है। एक डिपार्टमेंट होता है सेल्स डिपार्टमेंट, इसका काम होता है सेल्स का ध्यान रखना। एक डिपार्टमेंट होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इसका काम होता है मार्केटिंग का ध्यान रखना। एक डिपार्टमेंट होता है टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्स की सारी फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करना, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे वो जीएसटी हो, उससे बारे में सारे काम कुछ करना। एक होता है लेबर डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट का काम होता है लेबर से रिलेटेड जो भी काम है वो सारे करना। और एक डिपार्टमेंट जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और वो हमारा डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। हम जो ये सीएमए पढ़ रहे हैं, हमारा जो काम है वो बेसिकली ये जो डिपार्टमेंट मैंने सबसे लास्ट में लिखा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, हमारा काम इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि ये डिपार्टमेंट करता क्या है, तो हमें हमारे सब्जेक्ट का मतलब भी समझ में आ जाएगा, हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि सीएमए करता क्या है, बेसिकली सीएमए का काम क्या होता है।
तो ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट है इसका काम क्या? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मतलब समझ में आता है उसको मटेरियल का मतलब उसको फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन करना है। परचेज डिपार्टमेंट नाम से समझ में आता है परचेज करना है, रॉ मटेरियल को परचेज करना है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम समझ में आता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम समझ में आता है, सेल्स डिपार्टमेंट का काम समझ में आता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम समझ में आता है। ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट क्या होता है और ये डिपार्टमेंट क्या काम करता है? अगर हम इसके काम को समझ गए तो हमने हमारे इस सब्जेक्ट को समझ लिया और हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि हमें इस सब्जेक्ट में बेसिकली करना क्या। तो CMA बनने के बाद जब आप CMA कंप्लीट करोगे तो आपको मेन जो जिस डिपार्टमेंट से कनेक्ट होना है वो डिपार्टमेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट। अब ये डिपार्टमेंट करता क्या? देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के काम क्या है? पहला सबसे मेजर काम कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। इसका सबसे मेन काम होता है कॉस्ट को कैलकुलेट करना। जैसे मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी ये मान लेते हैं कैलकुलेटर बनाती है, इस कैलकुलेटर को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी, इस कैलकुलेटर को बनाने में कितने रुपए की लेबर लगी, इस कैलकुलेटर को बनाने में कितने रुपए का मटेरियल लगा, इस कैलकुलेटर को बनाने में जो अदर एक्सपेंडिचर है वो कितने लगे, इन सब के बारे में पता करना और एक कैलकुलेटर को बनाने में हमारी टोटल कॉस्ट क्या लगेगी उसको कैलकुलेट करना, ये हमारा सबसे पहला काम है। तो हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, दो प्रोडक्ट बनाते हैं, हो सकता है दो से ज़्यादा, 5, 10, 20 प्रोडक्ट बनाते हैं, हर एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट क्या होती है हमें उसको कैलकुलेट करना होगा। अब आप कहेंगे ये कॉस्ट क्यों कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट को कैलकुलेट करने का सबसे जो मेजर बेनिफिट होता है, सबसे जो मेन रीजन होता है वो होता है सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना। हम सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे हमने ये कैलकुलेटर बना दिया, अब हम इस कैलकुलेटर को बनाकर मार्केट में बेचेंगे, इस कैलकुलेटर को मार्केट में कितने पर सेल करेंगे, इसकी सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट होगी? इसकी सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले इस कैलकुलेटर की कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें यह पता करना पड़ेगा कि इस कैलकुलेटर को बनाने की कॉस्ट क्या थी। एक कैलकुलेटर की कॉस्ट अगर हमें पता चल जाए हम उसमें हमारा रीजनेबल प्रॉफिट जो होगा वो ऐड करेंगे एंड द रिजल्ट इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट को कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आपको पहले क्या पता करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सबसे पहले तो कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमारे डिपार्टमेंट का तीसरा काम, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है इसका तीसरा मेजर काम कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल। देखिए आज के टाइम में बिजनेस में सर्वाइव कौन करता है? जिसकी सेलिंग प्राइस रीजनेबल हो। रीजनेबल का मतलब एज पर प्रोडक्ट क्वालिटी आपकी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए और वो सेलिंग प्राइस रीजनेबल होनी चाहिए। अगर आपने ओवर सेलिंग प्राइस, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्राइस चार्ज कर ली तो आप मार्केट में कॉम्पिटिशन में टिक नहीं पाओगे। हो सकता है कोई अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम रेट पर बेचकर चला जाएगा और आपकी सेल बिल्कुल से खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको मार्केट में टिके रहना है तो आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा मार्केट प्राइस कम भी नहीं, सेलिंग प्राइस जो है वो कम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सेलिंग प्राइस कम हो गई तो आप प्रॉफिट कैसे अर्न करोगे? अल्टीमेटली तो बिजनेस करके हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो प्रॉफिट कमाने के लिए हमें रीजनेबल सेलिंग प्राइस मतलब कुछ ना कुछ तो रीजनेबल कमाना ही पड़ेगा। तो कॉस्ट कंट्रोल, जब तक कॉस्ट कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा होगी तो दिखती बात है हमारी सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा होगी। तो सेलिंग प्राइस शुड बी रीजनेबल, और सेलिंग प्राइस रीजनेबल कब होगी? सेलिंग प्राइस रीजनेबल तभी होगी जब हमारी कॉस्ट रीजनेबल होगी। ये जो डिपार्टमेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट हर एक एक्सपेंडिचर का एनालाइज करता है। मटीरियल की कॉस्ट कितनी लग रही है और कितनी लगनी चाहिए, लेबर की कॉस्ट कितनी लग रही है, कितनी लगनी चाहिए, हर एक एक्सपेंडिचर का एनालिसिस किया जाता है। कौन सा खर्चा ज़्यादा लग रहा है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको कैसे कम किया जाए, और कौन सा खर्चा और कम हम कर सकते हैं, इफेक्टिवली कम कर सकते हैं, बिना प्रोडक्ट की क्वालिटी को ख़राब किए हम कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये कंटिन्यूस काम है। और ये कंटिन्यूस काम कौन करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट करता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट कंट्रोल करने का काम करता है, जिससे कि हमारी कॉस्ट कम रहेगी, और अगर हमारी कॉस्ट कम रहेगी तो हमारी सेलिंग प्राइस भी कम रहेगी, सेलिंग प्राइस कम रहेगी, रीजनेबल सेलिंग प्राइस रहेगी तो मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। तो कॉस्ट कंट्रोल ये हमारा तीसरा मेजर फंक्शन है हमारे डिपार्टमेंट का। चौथा मेन काम होता है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग।
देखिए बिजनेस में डिसीजन कौन लेता है? टॉप मैनेजमेंट। हम डिपार्टमेंट, हम कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाले, हम डिसीजन मेकिंग का काम नहीं करते। डिसीजन मेकिंग का काम कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट करता है। मगर टॉप मैनेजमेंट डिसीजन कैसे लेता है? टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है अलग अलग डिपार्टमेंट से। बहुत सारे ऐसे डिसीजन है जिसके लिए इंफॉर्मेशन हमारा डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। हमारा डिपार्टमेंट मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। मतलब हम बहुत सारे डिसीजन के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, हम बहुत सारे डिसीजन के लिए रिपोर्ट तैयार करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उससे एक रिपोर्ट बनाते हैं, और वो रिपोर्ट हम टॉप मैनेजमेंट को अवेलेबल कराते हैं, जिसके बेसिस पर टॉप मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से और सही तरीके से डिसीजन ले पाता है। तो मतलब हम डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग का काम नहीं करते, मगर हम डिसीजन मेकिंग के लिए जो इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करने का काम करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से एक रिपोर्ट में कलेक्ट इन्फॉर्मेशन को अरेंज करते हैं, और उसके बाद वो रिपोर्ट टॉप मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं, जिसके बेसिस पे टॉप मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग का काम करता है। मतलब हम इनडायरेक्टली बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, जिससे कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, टॉप मैनेजमेंट डिसाइड कर सके, और हमारा बिजनेस अच्छी तरीके से रन कर सके। तो ये हमारे डिपार्टमेंट का चौथा मेन काम, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। फिफ्थ, कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ ईच एक्टिविटी सेपरेटली। कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ ईच एक्टिविटी सेपरेटली। देखिए बिजनेस में जैसे अकाउंटिंग, आप लोगों ने बिल्कुल अकाउंटिंग पढ़ रखी होगी, अकाउंटिंग में प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हम इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमने बिजनेस से कितना प्रॉफिट अर्न किया या हमें बिजनेस से कितना नुकसान हुआ, राइट? बट ये जो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है वो पूरे बिजनेस का कैलकुलेट होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे 5 प्रोडक्ट है ए बी सी डी ई, तो हम जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं अकाउंटिंग में वो पूरे बिजनेस का एक साथ कंबाइंड प्रॉफिट या लॉस होता है। प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं करते। ऐसा नहीं कि ए का ट्रेडिंग पीएनएल अलग, बी का ट्रेडिंग पीएनएल अलग, सी का अलग, डी का अलग, ई का अलग, ऐसा नहीं करते। हम पूरे बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं, बट कॉस्टिंग ऐसा नहीं करती। कॉस्टिंग हर एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट सेपरेटली कैलकुलेट करती है। अगर हम 10 प्रोडक्ट बनाते हैं तो हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट सेपरेटली कैलकुलेट किया जाएगा। 5 प्रोडक्ट है ए बी सी डी ई, तो ए का प्रॉफिट लॉस अलग, बी का प्रॉफिट लॉस अलग, सी का अलग, डी का अलग, ई का अलग। अब आप कहेंगे इससे फायदा क्या? प्रॉफिट या लॉस तो पता करना है, तो एक साथ क्यों नहीं, अलग अलग कैलकुलेट करने का फायदा क्या? अलग अलग कैलकुलेट करने का सबसे जो मेन बेनिफिट होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। हो सकता है ए बी सी इन 3 से हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, डी और ई से हमें लॉस हो रहा है, बट ओवरऑल जब प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया जाता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि किससे प्रॉफिट हो रहा है, किससे नुकसान हो रहा है। बट जब हम प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अच्छा ए बी सी तो से तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, बट डी और ई से हमें नुकसान हो रहा है। तो क्यों ना इन प्रोडक्ट को बंद कर दिया जाए, और या फिर अगर इन प्रोडक्ट को कंटिन्यू रखना है तो या तो इनकी सेलिंग प्राइस बढ़ाई जाए या इनका एक्सपेंडिचर कम किया जाए, जिससे कि इनका भी प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट हो जाए। तो जब प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, जब प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है, तो हम उस प्रोडक्ट के बारे में आसानी से डिसीजन मेकिंग का काम कर सकते हैं। पर जब ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है तो प्रोडक्ट वाइज हम डिसीजन मेकिंग करने का काम नहीं कर सकते। तो कॉस्टिंग क्या करता है? हर एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट या लॉस अलग अलग सेपरेटली कैलकुलेट करता है। तो ये बहुत सारे काम है। इसके अलावा एक और हमारे डिपार्टमेंट का काम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग करना। कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या करते हो, जनरल एंट्री करते हो, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, फिर बाद में ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट, ये सब कुछ प्रिपेयर करते हैं। सेम ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग भी होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी जनरल एंट्रीज होती है, लेजर अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, ट्रायल बैलेंस बनता है, बट थोड़ा सा तरीका अलग है। जैसा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिस्टम है, कॉस्ट अकाउंटिंग का थोड़ा सिस्टम अलग होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग करने का भी काम कौन करता है? हमारा डिपार्टमेंट करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के जो काम है वो ही हमारा कोर्स है। मतलब हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का कोर्स क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के जो फंक्शंस है वही हमारा कोर्स है, हमें वही करना है। तो हमें कॉस्टिंग ऐसे पढ़नी है कि हम जैसे ही सीएमए क्लियर हो जाए और हमें कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाए तो हम आसानी से ये सारे काम कर सकें।
कॉस्ट को कैलकुलेट करना, सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, हर एक एक्टिविटी का प्रॉफिट सेपरेटली कैलकुलेट करना, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम करना, और एक और जो सब्जेक्ट आप पढ़ोगे जब आप सीएमए फाइनल में चले जाओगे वो तब आप पढ़ोगे कॉस्ट ऑडिट। जैसे फाइनेंशियल ऑडिट होती है उसी तरीके से कॉस्ट ऑडिट भी होती है। तो कॉस्ट ऑडिट कैसे होती है और कॉस्ट ऑडिट किस तरीके से की जाती है वो सारा भी आप सीएमए फाइनल के अंदर सीख जाओगे। तो पहले हम कॉस्ट अकाउंटिंग सीखेंगे और सीएमए फाइनल में आप कॉस्ट ऑडिट भी सीख जाओगे, ठीक है। तो सीएमए का जो मेन काम है, जो मेन एरिया है, वो कॉस्टिंग से रिलेटेड है। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट आपके लिए सारे सब्जेक्ट में इंटर के दोनों ग्रुप में जो 8 पेपर है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आगे जाके काम आएगा वो सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग और एक सेकंड ग्रुप में आप पढ़ोगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ कॉस्टिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये दोनों सब्जेक्ट आपके लिए इंटर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सीएमए बनने के बाद बहुत ज़्यादा काम आप लोगों के लिए आने वाले, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि हमें करना क्या है, मतलब हमारा काम क्या है, इस सब्जेक्ट में हम क्या करने वाले हैं। कॉस्ट को कैलकुलेट करने वाले हैं, सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने वाले हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करने वाले हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने वाले, हर एक एक्टिविटी का प्रॉफिट सेपरेटली कैलकुलेट करने वाले और कॉस्ट अकाउंटिंग करने वाले। ये सब कुछ हम हमारे इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले, करेक्ट। तो ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, मतलब हमें ये समझ में आ गया कि ये सब्जेक्ट है क्या, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे सिलेबस की। हमारा जो सिलेबस है उसमें कितने चैप्टर्स दे रखे। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर 3 चैप्टर दिए गए कॉस्ट से रिलेटेड हमें 3 चैप्टर दिए हुए। एक चैप्टर तो हमें दे रखा है मटेरियल, दूसरा दे रखा है हमें लेबर, और तीसरा चैप्टर हमें दे रखा है ओवरहेड। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये 3 चैप्टर दिए हुए विच इज रिलेटेड टू कॉस्ट। देखिए कॉस्ट क्या होती है, व्हाट इज कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंसेस। नॉर्मल अगर मैं लैंग्वेज में बात करूं, कॉस्ट का मतलब एक्सपेंसेस। आप लोगों ने ट्रेडिंग पीएनएल बनाया, बहुत सारे एक्सपेंसेस आपने पढ़े। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो उसमें भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर आते हैं, जब आप पीएनएल बनाते हो तो उसमें भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर आते हैं। अगर मैं डेप्रिसिएशन के नाम आपको गिनाऊँ तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज, सैलरी एक्सपेंसेज, रेंट एक्सपेंसेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंसेज, वेजेज एक्सपेंसेज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज, पावर एक्सपेंसेज, बहुत खर्चे, बहुत सारे एक्सपेंडिचर आप लोगों ने ट्रेडिंग पीएनएल बनाते समय सीखे। हम यहाँ पर मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है कि जो एक्सपेंसेस होते हैं हमने इन एक्सपेंसेस को 3 कैटेगरी में बांटा है। हमने सारे एक्सपेंसेस को 3 कैटेगरी में बांटा है। एक एक्सपेंडिचर जिसको हम कहते हैं मटेरियल कॉस्ट, मतलब रॉ मटेरियल की कॉस्ट। दूसरा एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम कहते हैं लेबर कॉस्ट, मतलब वेजेज। और इन 2 एक्सपेंडिचर को छोड़कर बाकी के जो खर्चे हम उसको कहते हैं ओवरहेड। क्या कहते हैं? ओवरहेड। ओवरहेड को हम वापस से 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड। क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड। दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। कौन सा ओवरहेड? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। और तीसरा होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, 3 ओवरहेड होते हैं। मतलब मटीरियल और वेजेज की कॉस्ट को छोड़कर बाकी के जो खर्चे हैं हमने उनको 3 नाम दिए हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मतलब ओवरहेड होते हैं, ओवरहेड 3 तरह के होते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है? फैक्ट्री के खर्चे। फैक्ट्री कौन सी जगह होती है? देखो, ये हमारा बिजनेस है। बिजनेस में एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं फैक्ट्री। फैक्ट्री वो जगह होती है जहाँ पर मशीनें होती है, जहाँ पर मजदूर होते हैं। मशीनें और मजदूर, मतलब यहाँ से हम क्या करते हैं, रॉ मेटल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। वर्कर विद दी हेल्प ऑफ मशीन रॉ मेटल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ की फैक्ट्री के जो भी खर्चे लगते हैं वो सारे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री में जो भी खर्चे लगते हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड। एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं ऑफिस। ऑफिस के जो भी खर्चे होते हैं हम उनको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। और एक होता है वेयर हाउस। एक जगह कौन सी होती है? वेयर हाउस। वेयर हाउस के जो भी खर्चे होते हैं वो होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्या होते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। देखो, फैक्ट्री में रॉ मेटल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाए, जैसे ही रॉ मेटल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है हम वो फिनिश गुड्स फैक्ट्री में से ले जाकर रख देते हैं वेयर हाउस में। वेयर हाउस से फिर आगे माल कस्टमर को बेच देते हैं, राइट।
फैक्ट्री में जो भी खर्चे हो रहे हैं, अब फैक्ट्री में क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीनरी होती है तो प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिशिएशन, प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट, फैक्ट्री अगर आपने रेंट पे ले रखी है तो फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री में लाइट का खर्चा, फैक्ट्री में पावर की कॉस्ट, फैक्ट्री में मजदूर का ध्यान रखने के लिए सुपरवाइजर रखा हुआ है तो सुपरवाइजर की सैलरी, है ना, ये सारे खर्चे, फैक्ट्री की रिपेयर और मेंटेनेंस, प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर और मेंटेनेंस, प्लांट अगर किराए पर ले रखा है तो प्लांट एंड मशीनरी का जो रेंट लगता है वो, ये सारे फैक्ट्री ओवरहेड है। फैक्ट्री में रॉ मटेरियल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट, इनको छोड़कर जो भी खर्चे हैं वो सब फैक्ट्री ओवरहेड है। फैक्ट्री में रॉ मटेरियल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट को छोड़कर जितने भी खर्चे होते हैं हम उनको फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं ऑफिस। ऑफिस वो जगह होती है जहाँ से पूरा बिजनेस हम मैनेज करते हैं। ऑफिस में स्टाफ होता है, ऑफिस स्टाफ की सैलरी का खर्चा, ऑफिस में फर्नीचर होता है उसका डेप्रिसिएशन, रिपेयर और मेंटेनेंस, ऑफिस अगर किराए पे ले रखा है तो ऑफिस का रेंट, ऑफिस में लाइट का खर्चा, ऑफिस में रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा, जितने भी ऑफिस के खर्चे हैं वो सब हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। और यहाँ जितने भी खर्चे हैं हम उनको कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। वेयरहाउस, वेयरहाउस वो जगह है जहाँ पर हम फिनिश गुड्स जैसे ही बना फैक्ट्री में हमने ले जाके कहाँ रख दिया, वेयरहाउस में रख दिया। वेयरहाउस के जितने भी खर्चे हैं वो सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं एडवर्टीजमेंट का खर्चा, सेल्समैन अगर रखे हुए हैं तो उनकी सैलरी का खर्चा, सेल्समैन के ट्रेवलिंग का खर्चा, सेल्समैन को अगर सेल्स प्रमोशन देते हैं, कमीशन देते हैं, सेल्स पे कमीशन देते हैं, ये सारे खर्चे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आते हैं। गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा, कोई हमने गाड़ी रखी हुई है जिससे हम गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाते हैं तो वो गाड़ी का खर्चा, ये सारे के सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आते हैं। तो हमने ओवरहेड को तीन कैटेगरी दिए, मतलब एक्सपेंसेस को तीन कैटेगरी दिए, एक होता है मटीरियल, दूसरा होता है लेबर और तीसरा होता है ओवरहेड। तीन खर्चे होते हैं, मटीरियल, लेबर, ओवरहेड। ओवरहेड अगेन तीन टाइप के होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये जो पहले तीन चैप्टर हैं, ये हमारे जो पहले तीन चैप्टर हैं, इट इज रिलेटेड टू कॉस्ट। ये चैप्टर है मटीरियल कॉस्ट पहला चैप्टर, लेबर कॉस्ट दूसरा चैप्टर, ओवरहेड तीसरा चैप्टर, ये चैप्टर के नाम है, ठीक है। तो पहले जो तीन चैप्टर हैं वो कॉस्ट से रिलेटेड है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आगे के जो कुछ चैप्टर है वो है मेथड ऑफ कॉस्टिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब होता है कॉस्ट को कैलकुलेट करना, कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, कॉस्ट को कैलकुलेट करना। अच्छा देखो, अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं तो कॉस्ट को कैलकुलेट करने का ऐसा नहीं कि एक मेथड बनाया जाए और उसी मेथड से सारे बिजनेस की कॉस्ट कैलकुलेट कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से बिजनेस भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो हमने अलग अलग मेथड बना रखे हैं, हमने अलग अलग मेथड बना रखे हैं। कुछ बिजनेस के लिए कोई मेथड है, कुछ बिजनेस के लिए कोई मेथड है, कुछ बिजनेस के लिए कोई मेथड है। अब मैं अगर मेथड के नाम बताऊं मेथड ऑफ कॉस्टिंग में, तो एक मेथड तो है प्रोसेस कॉस्टिंग, एक मेथड का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग, ये एक चैप्टर है। एक मेथड का नाम है सर्विस कॉस्टिंग, ये भी एक मेथड है सर्विस कॉस्टिंग। एक मेथड का नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ये भी एक मेथड है। इसके बाद में एक मेथड का नाम है, आपको बताऊं, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, ये भी आपका एक मेथड हो गया। फिर एक मेथड है यूनिट कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग जिसमें हमें कॉस्ट शीट दे रखी है, क्या दे रखी है, कॉस्ट शीट, यूनिट कॉस्टिंग, इसमें इस चैप्टर का नाम कॉस्ट शीट भी हो सकता है। इसके साथ में एक और मेथड दिया हुआ है बैच कॉस्टिंग, इसके साथ में एक और मेथड दिया हुआ है जॉब कॉस्टिंग, मतलब ये क्या, तीनों बहुत छोटे छोटे मेथड है, इसीलिए तीनों मेथड को बनाकर एक चैप्टर बना दिया, कॉस्ट शीट, बैच कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग, तीन मेथड है मगर तीनों बहुत छोटे मेथड है तो अलग अलग चैप्टर नहीं बना के तीनों का मिलाकर एक चैप्टर बना दिया, ठीक है। तो ये आपके पांच चैप्टर दिए हुए हैं, इट इज रिलेटेड टू मेथड ऑफ कॉस्टिंग, मतलब तीन चैप्टर इज रिलेटेड टू कॉस्ट, पांच चैप्टर कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक चैप्टर आपका दे रखा है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, एंट्री करना, लेजर में पोस्टिंग करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, फाइनल अकाउंट बनाना, सेम ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग भी होती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे करते हैं उसके लिए एक चैप्टर दे रखा है, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। इसके बाद में आपको तीन और चैप्टर दिए हुए हैं, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, क्या दिया हुआ है,
अच्छा इसमें केवल ये एक ही है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में एक ही चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको एक ही चैप्टर दिया हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा फिर बाद में टेक्निक्स, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्टिंग की कुछ टेक्निक्स दे रखी है जिसमें एक टेक्निक दे रखी है बजटरी कंट्रोल, एक टेक्निक का नाम है बजटरी कंट्रोल, दूसरी टेक्निक का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और तीसरी टेक्निक का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। ये तीन टेक्निक है कॉस्टिंग की, ठीक है। तो ये हमारा कोर्स हो गया, मतलब देखो यहां पर हो गए हमारे पास टोटल तीन चैप्टर, यहां पर हो गए हमारे पास टोटल पांच चैप्टर, तीन और पांच आठ, एक हमारा ये चैप्टर हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीन हमारे ये चैप्टर हो गए टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। तो तीन पांच आठ एक नौ और तीन बारह, ये हमारे हो गए टोटल बारह चैप्टर। इसके अलावा एक चैप्टर हमें यहाँ पर दे रखा है जिसको हम कह सकते हैं चैप्टर नंबर तेरह, ये दे रखा है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या दे रखा है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये थियोरी का चैप्टर दे रखा है। कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसे अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड होता है ना, उसी तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कुछ स्टैंडर्ड्स है जिसमें जो क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरा थियोरिटिकल है, इसको हम करेंगे, और उसके बाद में एक चैप्टर है थियोरी। ये जितने भी चैप्टर है ना, ये जितने भी चैप्टर है हम पढ़ेंगे, इन सब की थियोरी मैंने एक साथ एक चैप्टर में डाल दी थियोरी करके। मतलब मटेरियल चैप्टर की थियोरी, लेबर चैप्टर की थियोरी, ओवरहेड की थियोरी, प्रोसेस की थियोरी, सर्विस की थियोरी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की थियोरी, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट की थियोरी, इन सारे चैप्टर की थियोरी आपको कहाँ मिलेगी? थियोरी में मिलेगी। मतलब जो केवल थियोरी है, प्योरली थियोरी है, यहाँ प्रैक्टिकल पढ़ते समय भी जो जो पॉइंट हमने प्रैक्टिकल के लिए काम किए वो तो पढ़ेंगे, मगर इन सारे चैप्टर की लास्ट में जाके एक चैप्टर बना दिया मैंने थियोरी, जिसमें केवल थियोरी थियोरी है, वो सारी थियोरी हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट चैप्टर में, विच इज थियोरी। तो हमारे टोटल 14 चैप्टर्स हो गए, ये 12 चैप्टर तो प्रैक्टिकल चैप्टर हो गए और दो चैप्टर आपके थियोरेटिकल हो गए, एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक थियोरी, करेक्ट। तो ये अपना सिलेबस क्लियर, 14 चैप्टर्स है, 12 चैप्टर प्रैक्टिकल और दो चैप्टर प्योरली थियोरी, ठीक। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप कहोगे कि क्या थियोरी के क्वेश्चन आते हैं, क्या ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है? मैं आपको बता दूं, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, बट ऐसी बात नहीं है कि पूरा 100 नंबर का पेपर प्रैक्टिकली आता है, ऐसा नहीं है। कुछ थियोरी के क्वेश्चन भी इसमें आते हैं, है ना, कुछ ऑप्शन में छोड़ सकते हो, कुछ ऐसे, मतलब आपको, मुझे ऐसा, मैं जनरल ट्रेंड के हिसाब से कह सकता हूँ कि आपको 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन थियोरी के करने पड़ सकते हैं, 15-20, मैं आपको ऑन एन एवरेज, हो सकता है इससे 5-10 नंबर के कम भी हो और 5-10 नंबर के ज़्यादा भी करने अटेंड पड़ जाए, तो आपको ऑलमोस्ट 15-20 नंबर के थियोरी के क्वेश्चन अटेंड करने पड़ सकते हैं, चाहे वो MCQ में आ सकते हैं क्वेश्चन थियोरी के, या फिर आगे कुछ सब्जेक्टिव करके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो आपका पेपर आता है 100 नंबर का ये पेपर है, उसमें 30 मार्क्स के आपके MCQ आते हैं और 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव आता है। ये जो मैंने आपको थियोरी के क्वेश्चन बताया 15 से 20 नंबर के, उसमें से कुछ MCQ में आ जाएंगे, कुछ इस सब्जेक्टिव वाले पेपर में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको थियोरी भी पूरी पढ़नी है, थियोरी छोड़नी नहीं है, क्योंकि बहुत बार प्रैक्टिकल पेपर अगर भारी आता है तो थियोरी हमारे लिए एक तरीके से, वो कहते हैं ना कि संकट मोचन का काम करेगी, कहीं ना कहीं आपको इस सब्जेक्ट को पास करने में हेल्प करेगी। हाँ, अगर सारे प्रैक्टिकल आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप पूरा प्रैक्टिकल पेपर अटेंड करो, थियोरी के क्वेश्चन कम से कम अटेंड करने की कोशिश करो, बट अगर प्रैक्टिकल भारी आ रहा है या फिर आपको एक दो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे प्रैक्टिकल के, तो फिर आपको थ्योरी करनी पड़ेगी। तो वो सारी थ्योरी हम डिस्कस करेंगे, क्लास में डिस्कस करेंगे, आपको अपने हिसाब से नहीं पढ़नी है, मैं आपको बताऊंगा, हर एक थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगा, आपको बस उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये आपकी क्लियर है, पेपर कैसे आता है, 30 नंबर का MCQ, 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव में कुछ एक दो, मतलब 10-12 नंबर के थ्योरी के क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी के प्रैक्टिकल होते हैं, और MCQ में भी 5-10 नंबर के MCQ थ्योरेटिकल आ सकते हैं, बाकी के प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कि हम इस पूरे कोर्स को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में हमें 100 आवर्स का टाइम लगेगा, हो सकता है 5-10 घंटे ऊपर नीचे हो सकते हैं, 100 घंटे में हम हमारे इस पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिकल को पूरा डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे जो मैंने आपको लोगों को, जो आपको नोट्स मिले होंगे या आपको मिल जाएंगे, वो सारे नोट्स में जो भी क्वेश्चन है हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, हो सकता है उसमें से कुछ मैं क्वेश्चन आपको घर पे दे दूँ।
ये सारे 100 घंटे की क्लास अटेंड करने के बाद आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिकल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, थियरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, पूरी थियरी डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या, उसके बाद में मैं आपको इस पूरे सब्जेक्ट का शॉर्ट रिविजन दूंगा। क्या दूंगा? शॉर्ट रिविजन, और वो रिविजन होगा ऑलमोस्ट 40 घंटे में। मैं आपको इस पूरे सब्जेक्ट को 40 घंटे में वापस से रिवाइज करा दूंगा, ए टू जेड एक एक चीज को रिवाइज करा दूंगा, और हो सकता है उस समय हम कुछ और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस साथ में करें। उसके करने के बाद मैं आप लोगों को टोटल आपको 4 टेस्ट पेपर दूंगा पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग के। मेरे ख्याल से एक सब्जेक्ट के लिए इतनी मेहनत बहुत होगी, क्योंकि बाकी के और 7 सब्जेक्ट भी है। तो 4 टेस्ट पेपर मैं आपको दूंगा, उसका सोल्यूशन मैं दूंगा आपको। 4 टेस्ट पेपर पूरी अच्छी तरीके से आपको देखना है, उसको सॉल्व करना है, और सबसे लास्ट में उसको चेक भी करना है, ठीक है ना। मैं आपको जो सोल्यूशन दूंगा उसे चेक भी करना है, ठीक है। वो हम देखेंगे कि किस तरीके से उसका सिस्टम होता है। तो ये जो टेस्ट पेपर होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से उसका सिस्टम हम सेट करेंगे। तो 100 घंटे की क्लास पूरी तरह से होगी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आपको एक एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सको, एग्जाम में कहीं भी दिक्कत नहीं है। फिर 40 घंटे में जब हम सबसे लास्ट में, कहते हैं ना कि लास्ट आखिरी शॉट, वो जो 40 घंटे का जो आखिरी शॉट होगा वो इतना तगड़ा होगा कि मतलब आप लोगों का पूरी अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट वापस से फटाफट से रिवाइज हो जाएंगे, और उसमें जो बेसिक और मेन जो क्वेश्चन है उसको हम वापस से रिवाइज भी कर लेंगे। मतलब 40 घंटे की क्लास में हम मेन क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आते हैं उनको पूरी तरह से रिवाइज कर लेंगे, और पूरा कॉन्सेप्ट फटाफट से रिवाइज भी कर लेंगे। तो 40 घंटे की जो लास्ट क्लास होगी, इस 100 घंटे के बाद जब आप ये 40 घंटे की क्लास अटेंड करोगे, तो इस 140 घंटे में आपका सब्जेक्ट इतना तगड़ा मजबूत हो जाएगा कि आपको कॉस्टिंग के अलावा कुछ अच्छा सब्जेक्ट समझ में भी नहीं आएगा। आपको लगेगा कि हमारा जो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है, जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त वाला सब्जेक्ट है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग है। और मैं आपको बता दूं कि अपना CMA का कोर्स का जो मेन जो सब्जेक्ट है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में टेस्ट पेपर लेंगे, तो आपका एक तरीके से रिवीजन टाइप ऐसा हो जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि मैं कैसे पेपर, अच्छा ये जो मैं टेस्ट पेपर दूंगा वो 100 नंबर का टेस्ट पेपर होगा। हर एक टेस्ट पेपर 100 नंबर का होगा, और जैसा एग्जाम का पेपर पैटर्न आता है मैं उसी टाइप से दूंगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि 3 घंटे में आप पेपर सॉल्व कर पाते हो नहीं कर पाते हो, और क्या मार्क्स आपके आ सकते हैं, कितनी आपकी तैयारी है, कैसी आपकी तैयारी है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा जब आप ये टेस्ट पेपर से सॉल्व करोगे आराम से बैठ के। अगर आपने इस टेस्ट पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ गए तो आप मान के चलो एग्जाम में भी आप पास हो, मतलब 90% आप श्योर हो सकते हो कि अगर इन 4 टेस्ट पेपर में आप बहुत अच्छी तरीके से पास हो रखे हो, 60-70 से ऊपर मार्क्स लेके आ रहे हो, तो 90% आपके एग्जाम में भी 70-80 से मार्क्स ज्यादा ही आएंगे, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं, ये जो आपका सब्जेक्ट है इसके लिए आपको मिलेंगे नोट्स। इसके लिए आपको क्या मिलेंगे? नोट्स मिलेंगे। ये जो नोट्स होगा उसमें सारा कॉन्सेप्ट दे रखा है, आपको हाथ से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बार लिखने से याद हो जाता है, बट बाई चांस अगर आप लिख नहीं पाते हो तो हर एक चीज को मैंने खुद ने आपको नोट्स में लिख कर दिया है। मतलब आप अगर नोट नहीं भी कर रहे हो, मैं जब आपको पढ़ूंगा तो आप कोई नोट नहीं भी कर रहे हो तो भी आपका वो वहां पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने जो नोट्स है उसमें दे रखा है। तो आपको नोट करने की वैसे जरूरत नहीं है, बट रिकमेंडेड है कि आपको साथ साथ में नोट करना चाहिए, जिससे कि आपको याद होता रहेगा साथ साथ में, ठीक है। फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, हर चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको बता दूं हर चैप्टर के 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, कुछ कुछ चैप्टर में 40-45 क्वेश्चंस भी है। तो हम वो सारे क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारा अच्छी तरीके से पूरा जो प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन, ये नोट्स आपको मिलेंगे। इसके बाद में ये जो 40 घंटे की मैं क्लास लूँगा उसका एक एक्स्ट्रा नोट्स मैं आपको दूंगा, जिससे कि 40 घंटे की क्लास में आप मेन क्वेश्चन पर ही फोकस कर सको। और उसके बाद में ये 4 टेस्ट पेपर है, इसके नोट्स आपको बहुत लास्ट में मिलेंगे, जब आपका एग्जाम आने वाला होगा उससे करीब 1.5 मंथ पहले ही आपको ये 4 टेस्ट पेपर मिलेंगे, जिससे कि आप आराम से तैयारी करके उसको पेपर को अटेंड करके देख सको कि हम एग्जाम में कितने नंबर कितने मार्क्स लेके आने वाले, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर है कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कैसे कोर्स चलेगा, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। अब इसके बारे में एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद में आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में
हम सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले, मैं आपको बता दूं, मटेरियल स्टार्ट नहीं करने वाले, हम सबसे पहले एक अच्छा सा, सुंदर सा, प्यारा सा, छोटा सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ट हो कि यस आई कैन डू दिस, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर ये जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। सबसे पहले हम इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे से आगे देखते जाएंगे कि कौन कौन सा चैप्टर हमें करना है, ठीक है। चलिए आगे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारा जो कॉस्टिंग है उसमें एक कॉस्ट शीट बनती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो ट्रेडिंग पीएनएल बनते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी एक कॉस्ट शीट बनती है, उस कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपके लिए जानना जरूरी है। वैसे तो इसके लिए पूरा एक चैप्टर दे रखा है, वो मैंने आपको बताया था, यूनिट जॉब बैच कॉस्टिंग, उसमें कॉस्ट शीट ही दे रखी है, मेन कॉस्ट शीट ही दे रखी है। बट आप एक बार फिर से यहाँ पर मैं आपको इनिशियली भी एक बार कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बता देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम जॉइंट प्रोडक्ट पढ़ेंगे या आगे कुछ और चैप्टर पढ़ेंगे तो हो सकता है कि इसका छोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपके काम आए, ठीक है। देखो कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट में सबसे पहले हम खर्चा लिखते हैं मटेरियल कंज्यूम, क्या लिखते हैं, मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया, मतलब रॉ मटेरियल का एक्सपेंडिचर। फिर हम लिखते हैं इसमें डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज मतलब हमारी लेबर की कॉस्ट। फिर हम इसमें लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होता है, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। ये तीनों जब मिलते हैं ना तब बनती है प्राइम कॉस्ट, क्या बनती है, प्राइम कॉस्ट, हमने एक नाम दिया है प्राइम कॉस्ट। इसमें हम ऐड करते हैं फैक्ट्री के ओवरहेड, मैंने आपको बताया फैक्ट्री ओवरहेड क्या होते हैं, ओवरहेड तीन टाइप के होते हैं, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हम इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री के ओवरहेड ऐड करते हैं। ये देखो ये कॉस्ट शीट हम डिटेल में बहुत डिस्कस करने वाले हैं आगे जाके, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम ये यूनिट जॉब और बैच कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें कॉस्ट शीट बहुत अच्छी तरीके से वापस से डिस्कस करने वाले हैं। मगर मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, जिससे कि जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि हम यूनिट जॉब बैच कॉस्टिंग का चैप्टर बहुत बाद में पढ़ेंगे, तो अभी एक बार इनिशियली आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कॉस्ट शीट के बारे में, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं अगर कुछ कॉन्सेप्ट आता है इसका तो आपको ध्यान रहे कि ये क्या होता है। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं तो ये जो अमाउंट आता है, फिर इसमें हम ऐड करते हैं, फिर हम इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। देखो तीन तरह के स्टॉक होते हैं, एक होता है रॉ मटेरियल का स्टॉक, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक, मतलब सेमी फिनिश गुड्स, कुछ काम हो चुका है, कुछ काम बाकी है, उसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो एक स्टॉक होता है रॉ मटेरियल का स्टॉक, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक और एक होता है फिनिश गुड्स का स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को यहाँ ऐड करते हैं अगर है तो, और उसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, क्या लेस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, क्या ऐड करते हैं, हम उसमें ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड करने से जो हमें मिलता है हम उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हम उसको प्रोडक्शन की कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड कर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, क्या ऐड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, और हम उसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स लेस किया, जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो भी हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है हम उसमें ऐड करते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं टोटल कॉस्ट, या फिर हमने उसको एक और नाम दिया है, हम उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स, या फिर आप इसको कह सकते हो टोटल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद में हम लिखते हैं सेल्स, जिससे हमें मिल जाता है प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या फिर लॉस। ये एक कॉस्ट शीट का एक बेसिक फॉर्मेट मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं पर काम आएगा। वैसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और इसके लिए एक चैप्टर भी है यूनिट जॉब बैच कॉस्टिंग, तो वहां पर अभी मैंने आपको बहुत एक बेसिक आइडिया दिया है कि क्या होता है। तीन एक्सपेंडिचर मिलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों मिलकर प्राइम कॉस्ट आती है।
उसमें ऐड होते हैं फैक्ट्री के खर्चे, उसमें ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस लेस होता है क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, तो जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट मतलब वर्क्स कॉस्ट। उसमें ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स लेस होता है क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स तो आता है रिजल्ट उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो रिजल्ट आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स लिखते हैं और रिजल्ट आता है उसको कहते हैं प्रॉफिट या लॉस। हम चैप्टर को बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं, ये जो आज आप मेरी स्पीड देख रहे हो उस स्पीड से हम नहीं पढ़ने वाले, बहुत आराम से एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए एक एक क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ने वाले, तभी हमें 100 घंटे लगेंगे। हाँ, बट जब हम 40 घंटे का रिवीजन करेंगे तो उस 40 घंटे के रिवीजन में हम बहुत फास्ट चलने वाले, फटाफट से सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, तभी तो 40 घंटे में पूरा कॉन्सेप्ट हम वापस एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत आराम से चैप्टर पढ़ने वाले, एक एक चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ने वाले। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ जो आगे जाके हो सकता है कुछ आपके काम आए, और वो है हम ये जो टोटल एक्सपेंसेस होते हैं मतलब हमारे जितने भी एक्सपेंसेस है टोटल कॉस्ट, हम उसको एक और क्लासिफिकेशन एक और तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। क्या होती है वेरिएबल कॉस्ट? शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसको इकोनॉमिक्स में आई थिंक पढ़ा होगा। एक होती है फिक्स कॉस्ट और एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, सेमी वेरिएबल। सबसे पहले मैं बात करूँ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो होती है जिसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं, मतलब आउटपुट बढ़े घटे फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन फिक्स। जैसे रेंट, रेंट का आउटपुट से कोई लेना देना नहीं, सेल से कोई लेना देना नहीं, प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं, रेंट फिक्स होता है। सैलरी फिक्स। तो बहुत सारे ऐसे खर्चे जिसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, डेप्रिसिएशन, ये सारे खर्चे क्या है, फिक्स्ड, मतलब इट रिमेन फिक्स्ड एट ऑल एक्टिविटी लेवल, चाहे आउटपुट बढ़ाओ घटाओ इससे उनका कोई लेना देना नहीं, वो खर्चा हमेशा फिक्स रहता है, उसको हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो आउटपुट के सेम प्रोपोर्शन में चेंज होती है, मतलब अगर मैंने आउटपुट डबल किया तो खर्चा भी डबल हो जाएगा, आउटपुट मैंने आधा किया तो खर्चा भी आधा हो जाएगा, आउटपुट मैंने जीरो किया तो खर्चा भी जीरो हो जाएगा। वो खर्चा जो आउटपुट के प्रोपोर्शन में चेंज होता है हम उसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जो हम उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। एक होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जिसमें कुछ वेरिएबल होता है कुछ फिक्स होता है, मतलब सेमी वेरिएबल का थोड़ा सा पोर्शन वेरिएबल होता है और थोड़ा सा पोर्शन फिक्स होता है, इसमें दोनों मिक्स होते हैं कुछ वेरिएबल कुछ फिक्स। तो जैसे ही आउटपुट चेंज होता है सेमी वेरिएबल में जो वेरिएबल पोर्शन है वो तो चेंज हो जाता है मगर फिक्स पोर्शन रिमेन सेम, उसको कहते हैं सेमी वेरिएबल। थोड़ा वेरिएबल होता है थोड़ा फिक्स होता है उसको कहते हैं सेमी वेरिएबल। जैसे अगर आप एग्जांपल की बात करो सेमी वेरिएबल, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आपके घर पे जो बिजली का बिल आता है वो सेमी वेरिएबल है। कैसे? बिजली का जो बिल आता है उसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है मीटर का रेंट, मीटर का रेंट लगता है, और एक आपने जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है उसका बिल होता है। तो मीटर का रेंट मान लो महीने का 300 रुपये लगता है, 300 रुपीस पर मंथ, मतलब ये 300 रुपये पर मंथ तो आपके लगने ही है, आपने चाहे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किया ही नहीं पूरे महीने, सब फैमिली वाले घूमने चले गए बाहर, पीछे घर पे कोई था ही नहीं, पूरे महीने इलेक्ट्रिसिटी की एक यूनिट भी कंज्यूम नहीं हुई, फिर भी 300 रुपये मीटर का किराया तो आपको देने ही देना पड़ेगा। और एक होता है कि आपने जितनी यूनिट कंज्यूम की उसका पैसा, आपने ज़्यादा यूनिट कंज्यूम की तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, कम यूनिट कंज्यूम की तो कम पैसा देना पड़ेगा, ये दोनों मिलकर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा। तो कुछ वेरिएबल है कुछ फिक्स है, इट इज़ कॉल्ड सेमी वेरिएबल। फिक्स होता है वो तो फिक्स ही रहता है चाहे कितनी भी एक्टिविटी हो, और वेरिएबल एक्टिविटी के प्रोपोर्शन में चेंज होता है, आउटपुट के प्रोपोर्शन में चेंज होता है, आउटपुट डबल तो खर्चा भी डबल, आउटपुट आधा तो खर्चा भी आधा, आउटपुट जीरो तो खर्चा भी जीरो, हम उसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो एक्सपेंसेस का ये क्लासिफिकेशन भी हमने समझना है टोटल कॉस्ट, और एक एक्सपेंसेस का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया कि हम एक्सपेंसेस को तीन कैटेगरी में बांटते हैं, एक मटेरियल की कॉस्ट, एक लेबर की कॉस्ट और तीसरा होता है ओवरहेड। ओवरहेड मतलब ओवरहेड का मतलब है मटेरियल और लेबर की कॉस्ट को छोड़कर बाकी जो भी खर्चे हैं वो ओवरहेड। अच्छा, ओवरहेड तीन टाइप के होते हैं, एक तो फैक्ट्री के ओवरहेड, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये थोड़े कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की, और फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर जो मैंने बताया आपको, जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट।
बिल्कुल नोट्स के साथ आप तैयार रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर जॉइंट। अच्छा, आपको इसके लिए क्या करना है, एक रजिस्टर लेना है, एक अच्छा सा मोटा सा रजिस्टर लेना है, कम से कम जिसमें 250-300 पेज हो सकता है, एक रजिस्टर से काम चल जाए, और हो सकता है एक से ज़्यादा रजिस्टर भी आपको लगने पड़े। तो 250-300 पेज का एक रजिस्टर ले लेना, अच्छा सा रजिस्टर, और उस रजिस्टर से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। और उस रजिस्टर, अच्छा, जब मैं आपको रिवीजन करूंगा तो उस समय आपको एक और रजिस्टर लेना पड़ेगा जो ऑलमोस्ट 125-130 पेज का रजिस्टर होगा। वो 40 घंटे का जो रिवीजन क्लास होगी उसके लिए आपको 125-130 पेज का एक रजिस्टर और रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो ये दो रजिस्टर आपको लेने हैं और अच्छी तरीके से उसको पूरा अच्छा रखना है, एकदम क्लीन तैयार करना है। और फिर जब अपन टेस्ट पेपर लेंगे तो जिससे कि क्या होगा, अगर आप रजिस्टर अच्छे रखोगे तो आगे रिवीजन करने में आपको ठीक तरीके से हेल्प मिलेगी। सारे क्वेश्चन किए हुए होंगे, अच्छे तरीके से किए हुए होंगे, तो आगे जाके आपको हेल्प रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट करते हैं जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। ओके, थैंक यू, टेक केयर।